हम जानकारी ले रहे हैं पौष महीना अशुभ है ये गलत फहमी कहाँ से आई इसके लिए पिछले वाले दो वीडियोस हमने देखे हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक महीने को नक्षत्र के अनुसार नाम मिला दूसरा वीडियो हमने देखा कि हर महीने में कौन सा नक्षत्र आता है और उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है उसका प्रभाव उस महीने में माना जाता है बाकी के सब नक्षत्र और उनके नाम मैंने मिटा दिए हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं पौष महीने के बारे में क्या पौष महीना अशुभ है ये गलत फहमी कहाँ से आई इसके लिए हमने पीछे के दो वीडियोस देखे अभी बात कर रहे हैं पौष महीने की पौष महीने को पौष नाम क्यों मिला क्योंकि पौष महीने में जो पूर्णिमा आती है उसमें चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है पुष्य का मतलब है पुष्टि करने वाला पोषण देने वाला बल देने वाला एक और भी गलत फहमी है कि इसको पुष्य यानी पुष्प कहा जाता है लेकिन ये पुष्प नहीं है यह फूल का नाम नहीं है इसका मतलब फूल नहीं है इसका मतलब है पोषण करने वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं जैसे हर एक नक्षत्र का स्वामी ग्रह है उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह है शनि और पौष महीना अशुभ होने की जो गलत धारणा है गलत फहमी है उस सभी फसाद की जड़ इसी में है इसी कारण में है पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि होने के वजह से माना गया है कि इस महीने में मतलब पौष महीने में पूरा महीना शनि का प्रभाव रहता है हर एक महीने में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये महीने में जो नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होता है उसके नक्षत्र स्वामी ग्रह का प्रभाव उस पूरे महीने में रहता है ये तो गलत धारणा नहीं है ये तो बिल्कुल सही बात है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनि ग्रह को अशुभ मानना शनि ग्रह अशुभ नहीं है आइए बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह अशुभ नहीं है इस वजह से पौष महीना भी अशुभ नहीं है पुष्य नक्षत्र है आठवा शनि का अंक भी है आठ ये भी बात उसमें जुड़ गई और कुछ लोगों को ऐसे लगा कि यह नक्षत्र और उसका स्वामी शनि होने की वजह से पूरा का पूरा, पूरा पौष महीना ही अशुभ है देखिए जो भगवान ने बनाया है वो अशुभ कैसे हो सकता है कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है ना ही रवि ना ही शनि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रवि ग्रह अशुभ है कितनी गलत धारणा है ये रवि को पाप ग्रह बताया गया है मंगल को पाप ग्रह बताया गया है शनि को भी अशुभ ग्रह बताया गया है ये गलत है जो भी ग्रह है वो अपने आप में अशुभ नहीं है कभी कभी वो हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव देते हैं लेकिन उसकी वजह अलग होती है वो हम अभी बात नहीं करेंगे लेकिन तो हम पॉइंट से हट जाएंगे हम ये बात कर रहे हैं कि शनि ग्रह अशुभ नहीं है शनि पापी ग्रह नहीं है क्या है शनि ग्रह शनि ग्रह है न्याय की देवता शनि ग्रह है एक स्ट्रॉन्ग टीचर अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा अच्छे मार्क्स मिलेंगे अच्छी पढ़ाई की है तो अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा आप फेल हो जाएंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो शनि ग्रह आपको आईना दिखाता है तो आप सोचिए कि अशुभ और पापी कौन हुआ शनि की साढ़े साथी शनि का प्रभाव शनि का गोचर भ्रमण इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वजह से डर चिंता समाज में फैली गई है लेकिन ये गलत है अगर आपने अच्छा काम किया है तो साढ़े साथी में आपको अच्छा मिलेगा अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपका रिजल्ट आपका न्याय आपका जजमेंट ये जो शनि ग्रह है न्याय की देवता यही करेंगे तो उसी प्रकार पौष महीने में पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होने की वजह से पूरे महीने में इस नक्षत्र का पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि का प्रभाव रहा है ऐसे कहा गया है ये तो बात सही है लेकिन ना तो शनि ग्रह पापी है अशुभ है ना ही पौष महीना अशुभ है एक लेकिन बड़ी बात यह है कि शुक्र जो कि विवाह का कारण ग्रह है ये जो शादी करना जो बात है ये बस इस महीने में टाले तो अच्छा अगर टाले तो अच्छा अगर यही महीना है और शादी करनी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है हो सके तो टाले नहीं है अटल है करना ही है किसी कारण से तो निश्चिंत तो होके करिए क्योंकि ये महीना अशुभ नहीं है अभी देखते हैं कि शादी को क्यों टालना चाहिए शादी है शुक्र का कारोबार शुक्र और शनि का एक दूसरे से बनता नहीं है शुक्र है भौतिक सुख मोह माया की ओर पैसा वैवाहिक जीवन के ओर ले जाने वाला ग्रह तो शनि है विरक्ति की ओर डीप स्टडी की ओर एकांत में रहने वाला ग्रह इसीलिए इन दोनों का एक दूसरे से बनता नहीं दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है शादी का कारक ग्रह शुक्र और विरक्ति का कारक ग्रह शनि इन दोनों का एक दूसरे से बनता नहीं है इसलिए बस हो सके तो शादी करना टाले पौष महीने में शादी ना करें अटल होगा तो निश्चिंत होके करिए बाकी किसी भी चीज़ों के लिए शुभ कार्य के लिए मंगल कार्य के लिए ये पौष महीना बुरा नहीं है पौष महीने में आप कुछ भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं मंगनी कर सकते हैं शादी की तैयारी शादी के कार्ड छपवाना शादी की कुछ भी ऐसी बातें हॉल बुक करना आप कर सकते हैं बस एग्जैक्टली मैरिज सेरेमनी को टाले अगर हो सके तो उसी के साथ पौष महीने में नए घर में प्रवेश करना वास्तु शांत भी करना बुरा नहीं है आप अच्छे से शांति से ये बातें कर सकते हैं पौष महीना अशुभ नहीं है अगर किसी का जन्म पौष महीने में होता है तो वो लड़का लड़की अशुभ नहीं होता उसका नामकरण आप निश्चिंत होके कर सकते हैं उसी प्रकार अगर प्रेग्नेंट लेडी है और और उसकी गोद भराई है तो वो भी पौष महीने में आए सातवें या आठवें महीने में तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर दूसरे देश में जाना है दूसरे स्टेट में जाना है स्थलांतर करना है तो वो भी आप पौष महीने में कर सकते हैं कोई भी मंगल कार्य ऑपरेशन हो या कुछ भी हो आप पौष महीने को अशुभ समझ के ना टाले आप निश्चिंत होके कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य पौष महीने में कर सकते हैं बस हो सके तो शादी का एग्जैक्ट सेरेमनी आप टालने की कोशिश करें ओम साई राम